रखा था। यह हड़पना, यह सर्वविदित है, उसने बाद में किया। उसका अपना चरित्र हल्का, अपव्ययी और विश्वासघाती था। जॉन आसानी से उसके व्यक्तित्व और गुट से जुड़ जाता था, न केवल वे सभी जो रिचर्ड की अनुपस्थिति के दौरान आपराधिक कार्यवाही के लिए उसके आक्रोश से भयभीत होने का कारण रखते थे, बल्कि कानून विहीन दृढ़ निश्चयी लोगों के असंख्य वर्ग से भी, जिन्हें धर्मयुद्धों ने उनके देश से वापस कर दिया था, जो पूर्व के दोषों में निपुण थे, भौतिक रूप से दरिद्र और चरित्र में कठोर थे, और जिन्होंने नागरिक अशांति में फसल की अपनी उम्मीदें लगाई थी। सार्वजनिक संकट और आशंका के इन कारणों में अपराधियों की भीड़ को जोड़ा जाना चाहिए, जो सामंती कुलीनता के उत्पीड़न और वन कानूनों के कठोर प्रयोग से निराश हो गए, बड़े गिरोहों में एकजुट हो गए और जंगलों और बंजर भूमि पर कब्जा करके देश के न्याय और मजिस्ट्रेटी को चुनौती दी। रईस खुद प्रत्येक अपने स्वयं के महल के भीतर किलाबंद थे और अपने स्वयं के प्रभुत्व पर छोटे संप्रभु की भूमिका निभा रहे थे। घोषित लुटेरों की तुलना में कम कानून विहीन और दमनकारी गिरोहों के नेता थे। इन अनुचरों को बनाए रखने के लिए तथा उनके अभिमान के कारण उत्पन्न अपव्यय और वैभव को बनाए रखने के लिए कुलीन वर्ग ने यहूदियों से अत्यधिक ब्याज पर धन उधार लिया, जो उनकी संपदा को भस्म करने वाले नासूर की तरह खा गया, जिसका उपचार तब तक कठिन था जब तक की परिस्थितियाँ उन्हें अपने ऋणदाताओं पर कुछ सिद्धांतहीन हिंसा का प्रयोग करके मुक्त होने का अवसर न दे दे। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण, उत्पन्न विभिन्न बोझों के कारण, इंग्लैंड के लोगों को वर्तमान में बहुत कष्ट सहना पड़ा तथा भविष्य के लिए उन्हें और भी अधिक भय का सामना करना पड़ा। उनके दुख को बढ़ाने के लिए पूरे देश में खतरनाक प्रकृति की संक्रामक बीमारी फैल गई तथा निम्न वर्ग के लोगों की गंदगी, खराब भोजन तथा दयनीय आवास के कारण यह बीमारी और भी अधिक घातक हो गई तथा इसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनके भाग्य से बचे हुए लोग ईर्ष्या करने लगे क्योंकि उन्हें आने वाली बुराइयों से मुक्ति मिल गई थी। फिर भी इन संचित संकटों के बीच गरीब और अमीर, अशिष्ट और कुलीन किसी टूर्नामेंट के आयोजन में उतनी ही रुचि रखते थे जितनी मैड्रिड के आधे भूखे नागरिक, जिसके पास अपने परिवार के लिए भोजन खरीदने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, बैल भोज के आयोजन में रखते हैं। न तो कर्तव्य और न ही दुर्बलता युवाओं या बुढ़ापे को ऐसे प्रदर्शनों से रोक सकती थी। शस्त्रों का मार्ग, जैसा कि इसे कहा जाता था, जो लीसेस्टर काउंटी के एशबी में होना था, क्योंकि पहले प्रसिद्ध चैंपियन खुद राजकुमार जॉन की उपस्थिति में मैदान में उतरने वाले थे, जिनसे सूचियों को सुशोभित करने की उम्मीद थी। इसने सार्वभौमिक ध्यान आकर्षित किया था और सभी रैंकों के लोगों का एक विशाल संगम नियत सुबह युद्ध के स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचा। यह दृश्य अनोखा रोमांटिक था। एशबी शहर से एक मील की दूरी पर एक जंगल के किनारे पर एक विस्तृत घास का मैदान था, जिसमें बेहतरीन और सबसे सुंदर हरी घास थी, जिसके एक तरफ जंगल था और दूसरी तरफ बिखरे हुए ओक के पेड़ थे, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हो गए थे। मैदान मानो युद्ध प्रदर्शन के लिए जानबूझकर बनाया गया था। धीरे धीरे सभी तरफ से नीचे की ओर एक समतल तल तक ढलानदार था, जिसे मजबूत बाड़ों से सूचियों के लिए घेरा गया था, जो लंबाई में एक चौथाई मील और चौड़ाई में लगभग आधी जगह बनाता था। बाड़े का आकार एक आयताकार वर्ग था, सिवाय इसके कि दर्शकों के लिए अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए कोनों को काफी गोल कर दिया गया था। लड़ाकों के प्रवेश के लिए उद्घाटन सूचियों के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर थे, जो मजबूत लकड़ी के द्वारों से सुलभ थे। प्रत्येक इतना चौड़ा था कि दो घुड़सवार एक साथ सवार होकर प्रवेश कर सकते थे। इनमें से प्रत्येक द्वार पर दो दूत तैनात रहते थे, जिनके साथ छह तुरही, उतने ही अनुचर और व्यवस्था बनाए रखने तथा इस युद्ध खेल में भाग लेने वाले शूरवीरों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए सैनिकों की एक मजबूत टुकड़ी रहती थी। दक्षिणी प्रवेश द्वार के बाहर एक मंच पर, जो जमीन की प्राकृतिक ऊंचाई से बना था, पांच शानदार मंडप बनाए गए थे, जो लाल और काले रंग के झंडों से सजे थे, जो पांच शूरवीरों के चुनौती देने वाले चुने हुए रंग थे। तंबू की रस्सियां एक ही रंग की थी। प्रत्येक मंडप के सामने उस शूरवीर की ढाल लटकी हुई थी, जिसके पास वह बैठा था, और उसके बगल में उसका अनुचर खड़ा था, जो अपने स्वामी की पसंद और खेल के दौरान जिस चरित्र को वह अपनाना चाहता था, उसके अनुसार
एक बचाव या जंगली आदमी या किसी अन्य शानदार पोशाक में विचित्र रूप से प्रच्छन्न था। 16 केंद्रीय मंडप सम्मान के स्थान के रूप में ब्रायन बी बॉयस गिलबर्ट को सौंपा गया था, जिनकी वीरता के सभी खेलों में प्रसिद्धि थी और इस मार्ग के लिए चुने गए शूरवीरों के साथ उनके संबंधों के कारण उन्हें चुनौती देने वालों की मंडली में उत्सुकता से शामिल किया गया था और यहाँ तक कि उन्हें उनके प्रमुख और नेता के रूप में अपनाया गया था। हालांकि वह हाल ही में उनके साथ शामिल हुए थे, उनके तंबू के एक तरफ रेजिनाल्ड फ्रंट डी बोफ और रिचर्ड डी मालवॉयसन के तंबू लगे हुए थे और दूसरी तरफ ह्यूग डी ग्रांट मैसनील का मंडप था, जो आसपास के एक कुलीन बैरन थे जिनके पूर्वज विजेता के समय में इंग्लैंड के लॉर्ड हाई स्टीवर्ड थे और उनके बेटे विलियम रूफ्स थे। राल्फ डी विपोन सेंट जॉन ऑफ जेरूसलम के एक शूरवीर, जिनके पास एशबी डीला जौचे के पास हीथर नामक स्थान पर कुछ प्राचीन संपत्तियां थी, ने पांचवें मंडप पर कब्जा कर लिया। सूचियों के प्रवेश द्वार से 10 गज की चौड़ाई वाला एक ढलानदार मार्ग उस मंच तक जाता था जिस पर टेंट लगाए गए थे। यह दोनों तरफ एक बाड़ द्वारा मजबूती से सुरक्षित था, जैसा कि मंडपों के सामने एक एस्प्लेनेड था और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सशस्त्र सैनिकों द्वारा की जाती थी। सूचियों तक उत्तरी पहुंच 30 फीट चौड़ाई के एक समान प्रवेश द्वार पर समाप्त होती थी, जिसके छोर पर ऐसे शूरवीरों के लिए एक बड़ा संलग्न स्थान था जो चुनौती देने वालों के साथ सूचियों में प्रवेश करने के लिए तैयार थे, जिसके पीछे उनके रहने के लिए हर तरह के जलपान से युक्त तंबू लगाए गए थे। साथ ही शस्त्रधारी, टारियर और अन्य परिचारक भी थे जो जहां भी आवश्यक हो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहते थे। सूचियों के बाहरी हिस्से में अस्थायी दीर्घाएं थीं जिन पर टेपेस्ट्री और कालीन बिछाए गए थे और उन महिलाओं और कुलीनों की सुविधा के लिए कुशन रखे गए थे जिन्हें टूर्नामेंट में भाग लेने की उम्मीद थी। इन दीर्घाओं और सूचियों के बीच एक संकरी जगह यौमन और दर्शकों के लिए बेहतर जगह देती थी, जो कि केवल अशिष्ट लोगों की तुलना में बेहतर थी और इसकी तुलना किसी थिएटर के गड्ढे से की जा सकती थी। बेतरतीब भीड़ ने खुद को इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए टर्फ के बड़े किनारों पर व्यवस्थित किया, जो जमीन की प्राकृतिक ऊंचाई की सहायता से उन्हें दीर्घाओं को देखने और सूचियों में एक अच्छा दृश्य प्राप्त करने में सक्षम बनाता था। इन स्टेशनों द्वारा प्रदान की गई सुविधा के अलावा कई सैकड़ों लोग घास के मैदान के चारों ओर पेड़ों की शाखाओं पर बैठे थे और यहाँ तक कि कुछ दूरी पर एक देहाती चर्च की मीनार भी दर्शकों से भरी हुई थी। सामान्य व्यवस्था के संबंध में केवल यह ध्यान देने योग्य है कि सूचियों के पूर्वी भाग के बिल्कुल बीच में एक गैलरी थी और परिणाम स्वरूप उस स्थान के ठीक विपरीत जहाँ युद्ध का झटका लगने वाला था अन्य की तुलना में अधिक ऊंची थी, अधिक समृद्ध रूप से सजी हुई थी और एक प्रकार के सिंहासन और छत्र से सुशोभित थी जिस पर शाही हथियार सजे हुए थे। राजकुमार जॉन और उनके परिचारकों के लिए बनाए गए इस सम्मान के स्थान के चारों ओर स्क्वायर, पेज और यौमन प्रतीक्षा कर रहे थे। इस शाही गैलरी के विपरीत सूचियों के पश्चिमी भाग में एक और गैलरी थी जो उसी ऊंचाई पर थी और राजकुमार के लिए बने सिंहासन की तुलना में अधिक शानदार ढंग से भले ही कम भव्य रूप से सजाई गई हो। पेज और युवा युवतियों की एक टोली जो सबसे सुंदर चुनी जा सकती थी हरे और गुलाबी रंग के शानदार परिधानों में सजी हुई थी, उसी रंगों से सजे सिंहासन को घेरे हुए थी। घायल दिल, चलते हुए दिल, खून बहते हुए दिल, धनुष और तरकश और कामदेव की जीत के सभी सामान्य प्रतीकों वाले झंडों और झंडों के बीच एक चमकदार शिलालेख ने दर्शकों को सूचित किया कि सम्मान की यह सीट ला रोएनेडे लास ब्यूल्टे एट डेस एमोर्स के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन इस अवसर पर सौंदर्य और प्रेम की रानी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा इसका अनुमान लगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इस बीच हर तरह के दर्शक अपने अपने स्थान पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े और इस बात को लेकर कई बार झगड़े भी हुए कि उन्हें किस स्थान पर कब्जा करना चाहिए। इनमें से कुछ को सैनिकों ने संक्षिप्त समारोह के साथ सुलझाया। उनके युद्ध कुल्हाड़ियों के तीर और तलवारों के प्रहारों का इस्तेमाल अधिक विद्रोही लोगों को समझाने के लिए तर्क के रूप में किया गया। अन्य जिनमें अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रतिद्वंद्वी दावे शामिल थे हेराल्ड या क्षेत्र के दो मार्शलों विलियम डे वायविल
और स्टीफन डे मार्टेवल द्वारा तय किए गए, जो सभी बिंदुओं पर सशस्त्र थे, दर्शकों के बीच अच्छे आदेश को लागू करने और बनाए रखने के लिए सूचियों में ऊपर और नीचे सवार थे। धीरे धीरे गैलरी शांति के वस्त्र पहने शूरवीरों और कुलीनों से भर गई, जिनके लंबे और समृद्ध रंग के लबादे महिलाओं के उल्लासपूर्ण और अधिक शानदार पहनावे के विपरीत थे, जो पुरुषों से भी अधिक अनुपात में एक खेल देखने के लिए उमड़ी थी, जिसे कोई भी इतना खूनी और खतरनाक मान सकता था कि वे अपने लिंग को अधिक आनंद नहीं दे सकते थे। निचला और आंतरिक स्थान जल्द ही बड़े बड़े यौमन और नगरवासियों से भर गया, और ऐसे कम कुलीन वर्ग के लोग जो शालीनता, गरीबी या संदिग्ध पदवी के कारण कोई उच्च स्थान प्राप्त करने का साहस नहीं कर पाते थे, बेशक वरीयता के लिए सबसे अधिक विवाद इन्हीं के बीच हुआ। अविश्वासी का कुत्ता, एक बूढ़े आदमी ने कहा, जिसका फटा पुराना अंगरखा उसकी गरीबी की गवाही दे रहा था, जबकि उसकी तलवार, खंजर और सोने की चेन उसके उच्च दर्जे के दावों को बता रही थी। भेड़िए का बच्चा, क्या तू एक ईसाई और मोनटिडियर के खून वाले नॉर्मन सज्जन पर दबाव डालने की हिम्मत करेगा? यह कठोर प्रतिवाद किसी और को नहीं बल्कि हमारे परिचित इसहाक को संबोधित था, जो लैस से सजे और फर से लदे कैबर्डाइन में भव्य और भव्य रूप से सजे हुए थे, अपनी बेटी सुंदर रेबेका के लिए गैलरी के नीचे सबसे आगे की पंक्ति में जगह बनाने का प्रयास कर रहे थे, जो एशबी में उनके साथ शामिल हुई थी और जो अब अपने पिता की बांह पर लटकी हुई थी, जो अपने माता पिता की दुस्साहस से आमतौर पर उत्तेजित होने वाले लोकप्रिय आक्रोश से थोड़ा भयभीत नहीं थी। लेकिन इसहाक, हालांकि हमने उसे अन्य अवसरों पर काफी डरपोक देखा है, अच्छी तरह से जानता था कि वर्तमान में उसे डरने की कोई बात नहीं है। यह सामान्य स्थानों पर नहीं था या जहां उनके बराबर के लोग इकट्ठे होते थे कि कोई लालची या दुर्भावनापूर्ण रईस उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न करे। ऐसी बैठकों में यहूदी सामान्य कानून के संरक्षण में थे, और अगर वह एक कमजोर आश्वासन साबित हुआ तो आम तौर पर ऐसा होता था कि इकट्ठे हुए लोगों में कुछ बैरन होते थे, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए उनके रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार रहते थे। इस अवसर पर इसहाक को सामान्य से अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ, क्योंकि उसे पता था कि राजकुमार जॉन अभी भी यॉर्क के यहूदियों से एक बड़े रण के लिए बातचीत कर रहा था, जिसे कुछ रत्नों और जमीनों पर सुरक्षित किया जाना था। इस लेन देन में इसहाक का अपना हिस्सा काफी बड़ा था, और वह अच्छी तरह से जानता था कि राजकुमार की इसे निष्कर्ष पर लाने की उत्सुक इच्छा उसे उस दुविधा में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी जिसमें वह खड़ा था। इन विचारों से उत्साहित होकर यहूदी ने अपनी बात पर जोर दिया, और नॉर्मन ईसाई को उसके वंश, गुण या धर्म की परवाह किए बिना धक्का मुक्की की। हालांकि बूढ़े व्यक्ति की शिकायतों ने आसपास खड़े लोगों के गुस्से को भड़का दिया। उनमें से एक मोटा तंदुरुस्त योद्धा लिंकन ग्रीन की पोशाक पहने हुए, अपनी कमर में 12 तीर लगाए हुए, चांदी का एक बाल्ड्रिक और बेज और हाथ में 6 फीट लंबा धनुष लिए हुए घबरा गया, और जब उसका चेहरा, जो मौसम के लगातार संपर्क में रहने के कारण हेजलनट की तरह भूरा हो गया था, गुस्से से और भी काला हो गया, तो उसने यहूदी को सलाह दी कि वह याद रखे कि उसने अपने दुखी पीड़ितों का खून चूसकर जो भी धन कमाया है, उसने उसे एक फूली हुई मकड़ी की तरह फूला दिया है, जिसे वह कोने में रखकर अनदेखा कर सकता है, लेकिन अगर वह रोशनी में आ जाए तो कुचल दिया जाएगा। दृढ़ आवाज और सख्त चेहरे के साथ नॉर्मन अंग्रेजी में दिए गए इस संकेत ने यहूदी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और वह शायद खुद को इस खतरनाक इलाके से पूरी तरह से दूर कर लेता अगर हर किसी का ध्यान प्रिंस जॉन के अचानक प्रवेश पर नहीं जाता, जो उस समय सूचियों में शामिल हो गया था। उसके साथ एक बहुत बड़ी और खुश मिजाज टोली थी, जिसमें कुछ हद तक आम लोग थे, कुछ हद तक चर्च के लोग। उनके कपड़े हल्के थे और उनके व्यवहार में उनके साथी जितने ही खुश मिजाज थे,
बाद के लोगों में जोर वॉक्स का पुजारी भी था, जो सबसे शानदार पोशाक में था जिसे चर्च का कोई गणमान्य व्यक्ति प्रदर्शित करने का साहस कर सकता था। उसके कपड़ों में फर और सोना भी नहीं बचा था और उसके जूतों के सिरे उस समय के बेतुके फैशन से कहीं ज्यादा इतने ऊपर मुड़े हुए थे कि वे न केवल उसके घुटनों से बल्कि उसकी कमर से भी चिपके हुए थे और प्रभावी रूप से उसे अपना पैर रकाब में डालने से रोक रहे थे। हालांकि यह बहादुर मठाधीश के लिए थोड़ी असुविधा थी, जो शायद इतने सारे दर्शकों खासकर महिलाओं के सामने अपनी निपुण घुड़सवारी का प्रदर्शन करने के अवसर पर भी खुश था। इसलिए उसने एक डरपोक सवार को इन सहायताओं का उपयोग करने से मना कर दिया। प्रिंस जॉन के बाकी दल में उनके भाड़े के सैनिकों के पसंदीदा नेता, कुछ लुटेरे बैरन और दरबार के भ्रष्ट सेवक, कई नाइट्स टेम्पलर और सेंट जॉन के शूरवीर शामिल थे। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि इन दोनों संप्रदायों के शूरवीरों को राजा रिचर्ड के प्रति शत्रुतापूर्ण माना जाता था, क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन में उस सम्राट और इंग्लैंड के शेर दिल राजा के बीच हुए विवादों की लंबी श्रृंखला में फ्रांस के फिलिप का पक्ष लिया था। इस कलह का यह सर्वविदित परिणाम था कि रिचर्ड की बार बार की जीतें निष्फल हो गई। यरूशलेम को घेरने के उसके रोमांटिक प्रयास विफल हो गए और उसने जो भी गौरव अर्जित किया था उसका फल सुल्तान सलादीन के साथ अनिश्चित युद्ध विराम में बदल गया। उसी नीति के साथ जिसने पवित्र भूमि में अपने भाइयों के आचरण को निर्धारित किया था, इंग्लैंड और नॉर्मैंडी में टेम्पलर और हॉस्पिटैलर्स ने खुद को राजकुमार जॉन के गुट से जोड़ लिया। रिचर्ड की इंग्लैंड वापसी या उसके वैध उत्तराधिकारी आर्थर के उत्तराधिकार की इच्छा रखने का कोई कारण नहीं था। विपरीत कारण से राजकुमार जॉन इंग्लैंड में रहने वाले कुछ महत्वपूर्ण सैक्सन परिवारों से घृणा करता था और उनका तिरस्कार करता था और उन्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वे जानते थे कि उनके व्यक्तित्व और दिखावे को उनके द्वारा नापसंद किया गया था, साथ ही अंग्रेजी आम लोगों के बड़े हिस्से द्वारा भी, जो जॉन के अनैतिक और अत्याचारी स्वभाव के एक सम्राट से अपने अधिकारों और स्वतंत्रता पर और अधिक नवाचार से डरते थे। इस वीरतापूर्ण सैन्य दल के साथ स्वयं भव्य रूप से सवार, लाल और सुनहरे रंग के वस्त्र पहने, अपने हाथ में एक बाज लिए, अपने सिर को एक समृद्ध फर की टोपी से ढके, कीमती पत्थरों के एक घेरे से सुसज्जित जिसमें से उसके लंबे घुंघराले बाल निकलकर उसके